हाँ भाई, सभी को नमस्कार। प्रश्नावली नंबर 12। नाम है प्रश्नावली का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दी जाएगी, उसके बाद में 12.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसलिए आप थोड़ी किताब को भी खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आंसर आंसर लिखे गए हैं, प्रश्न आपको वहीं से देखने हैं। किताब खोल लीजिए, रफ कॉपी निकाल लीजिए। देखिए 12.1 में पहले तो हम इस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो चक्रा नजर आ रहा है आप लोगों को, चक्रा इसे कहते हैं चक्रा। थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। अब देखो ये चक्रा नजर आ रहा है आप लोगों को, बड़ा सा ये लो, इसे कहते हैं वृत्त, ठीक है। और इस वृत्त के अंदर आपको जो ये टिप्पी सी नजर आ रही है, लाइन सी, इस लाइन को वे ज्यादातर इधर लगाते हैं। चलो हम इधर निकाल लेते हैं, ये इधर निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या किधर भी हो सकती है, त्रिज्या किधर भी हो सकेगी। अब सुनो ध्यान से, यदि इस त्रिज्या को हम आगे खींचना चाहें, पूरा इस प्रकार से लंबा खींचे, लंबा यदि खींच लेते हैं, तो यह इसके कहलाती है व्यास, ठीक है। और हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें, जैसे मान लो इस प्रकार से काट के चले व्यास को, तो ये जो तिरछी लाइन अब आ रही है इसे जीवा कहते हैं। ये देखो तिरछी लाइन कटती है, इसे जीवा कहते हैं। जीवा के नीचे जो वृत्त का भाग है या वृत्त का जो खंड कटता है, ये छोटा खंड है, इसलिए इसका नाम होता है लघु वृत्त खंड। और ऊपर वाला जो खंड है ये बड़ा खंड है। देखिए ये वाला खंड दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा खंड है, इसलिए इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और थोड़ी सी नोट करिएगा, देखिए यहाँ पर ये लीजिए लाल, लाल से लीजिए, ये इतना पार्ट, जैसे ये पार्ट हो गया, या इधर आप कहीं पर भी काट लो, जो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये इसका चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए अंडरलाइन किया, चाप। चाप कहते हैं दो कोणों के द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। परिधि में जब दो कोणों के द्वारा कोई क्षेत्रफल अंतरित किया जाता है, तो ये बाहर वाली जो परिधि बचती है इसे चाप कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या के बारे में बात करें, तो त्रिज्या जानते हो आप, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी के त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या इधर और कर दें हम पूरी ये वाली, तो ये कहलाएगा आपका व्यास, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा और देखिए, जैसे गोल चक्रा फिर बनाते हैं हम, व्यास बना, इस बार वो बना लेते हैं, जैसे ये। अब इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, इसके बारे में हमने बताया आपको कि जीवा है, क्या ये जीवा, और देख लेते हैं इसी प्रकार से, ये क्या है आपकी जीवा, क्या ये जीवा है, ये और चलते जाएंगे, जीवा है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी भाई, ये सबसे बड़ी नजर आ रही है, अब ऊपर चलेंगे तो और छोटी होती जाएंगी ये जीवा, ये छोटी होती गई, फिर और चलेंगे तो और छोटी होती जाएंगी जीवाएं, ये छोटी होती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी जीवा है ना, ये वाली, ये दोबारा देखो, ये लो अंडरलाइन, दोबारा दूसरे कलर से कर लेते हैं, लो भाई इस कलर से देखिए, इससे देख लो, इससे देख लो, देखने में क्या जाता है, देखने में कुछ नहीं जाता। यहाँ देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली, इसे कहते हैं व्यास। और ये व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। छोटा प्रश्न आता है परीक्षा में कि व्यास को क्या किस नाम से जानते हैं, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो हम लिखेंगे व्यास होती है, ठीक है। अब यदि जैसे ये केंद्र है, और केंद्र के द्वारा यहाँ जो चाप कटता है छोटा सा, त्रिज्याओं के द्वारा जो चाप कटता है इसे त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्याओं के द्वारा चाप कटता है इसे त्रिज्या खंड कहते हैं। ऊपर जो कट रहा है ना, इस वाले को बोलते हैं हम दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। जैसे ये जो चाप कटा है, ये छोटा चाप है, इसलिए इसका नाम हो गया लघु चाप। और ये याद रखिए, हमेशा 180 डिग्री से कम कम के कोण पर ही बनेगा, इससे ज्यादा पर नहीं बनेगा। लघु चाप हमेशा 180 डिग्री से कम बनता है, और दीर्घ चाप होता है वो 180 से ज्यादा पर बनता है, ठीक है। इस वाले चित्र में आप देख लो, बाहर से घुमा हुआ है, इसलिए यहाँ आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ये तो सामान्य जानकारी थी। अब आ जाओ अपना जल्दी से 12.1 पर। 12.1 में ऊपरी ऊपर दे रखे किताब में देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए आप, ये कहा गया है। चलो कर लेंगे हम, किताब के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, कोई इलाज थोड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, देखिए प्रश्न पढ़ो ध्यान।
प्रश्न दे रखे, दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब आपने दो वृत्त बताएंगे, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, एक की 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों की परिधि अपन त्रिज्या विरोध परिधि को नॉर्मल सूत्र हुआ है अपन ने 2πr हुआ है परिधि को, और वर्त को क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर हुआ है। तो जाना आप पिछली क्लास में जाना, आठवीं भी आईडी, सातवीं भी आईडी अपने, लेकिन कोई बात नहीं, कईटा ब्राम कोई खब्बू है जाने कौन जाने, कोई बात नहीं, मैं जाने तो अब जान लियो। इंगो तो वह 2πr और बिंग हो वर्त को क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर। तो दो वर्त है अपने कन, दोनों की त्रिज्या दे दी, और तीसरो वर्त बनाना है कोई जगह की त्रिज्या, जगह त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन, तीसरो वर्त बना के बिंग त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन दो बिंग जो परिधि होगी ना वहां दोनों परिधियां बराबर होनी चाहिए। तो पहला आप चलो उत्तर में देख लिया जल्दी जल्दी, एक तो बना लो वर्त आपने, क्या बना लो वर्त, या मान लो वर्त बना ली, अब मन तो टाइम कौन लगे, थन टाइम लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब इंग मां त्रिज्या बना लेंगी, इंग आर वन लिख दिया, त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर मान लिया, 9 सेंटीमीटर मान लिया, थारी मर्जी है जो मान लो। एक वर्त और बना लियो सक्रिय, दूसरो बना लियो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये और बना दिया हमने, इसकी त्रिज्या बना दी, ये 9 सेंटीमीटर, इल्ली 19 माननी है तो इल्ली 9 सेंटीमीटर मान लियो आप। तीसरे ज्ञात करनी है, इनकी आप आर वन मान ली, इनकी आर टू मान ली, इनकी तीसरे की आर थ्री मान ली, आ ज्ञात करनी है। लेकिन शर्त की है कि इन बाहर लगी परिधि आओगी ना, दोनों का बराबर आनी चाहिए, दोनों जोड़ के बराबर आनी चाहिए, यानी योग के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट थे, देखो अगले चित्र में, देखो अगले पेज पर। हाँ कोई नहीं, अब आ जाओ आप 88 आ जाओ। एक वर्त है, दूसरा वर्त है, त्रिज्या आएगी, पहले की परिधि क्या होगी, देख पहले त्रिज्या आर वन मान लो अपने, जो पहले त्रिज्या आर वन हो जाएगी, दूसरी त्रिज्या आर टू हो जाएगी, सूत्र थन बेरो है 2πr हो है, पहले खातर आर वन लगा दें, वो देखो लगा रखे आर वन, ठीक है, वो देखो आर वन लगा रखे, और दूसरे खातर आप लगा देंगे जैसे नीला नीला ले, या पहले के लिए आर वन लगा दिया, दूसरे के लिए आर टू लगा देंगे, ठीक है, और तीसरे के लिए आर थ्री लगा देंगे। अब दो पाई इन दोनों में कॉमन है, कॉमन है जो मैं 12 ले लियो, और ब्रैकेट में आर वन और आर टू लगा दी, और इन 2π आर थ्री आई। अब 2π हूँ 2π भाई, इन गुणा में सीधे भाई इन गुणा में हो तो दोनों आपस में कट जाएंगे, नहीं कटते इन भाग देगा तो कट जाएंगे, तो 2π हूँ 2π कट जाओ, इन बच्चे आर वन आर टू और इन बच्चे को आर थ्री, यानी आ दोनों को योग है वो तीसरे बराबर है, तो दोनों योग करा 19 सर 9। इन चीजों में मुझे विश्वास है कि थे जानू जोड़ करना था ना, 19 सर 9 28 में, ठीक है, क्योंकि कई अंक दिक्कत हो जाएगा मान तो बड़ा कोई कौन बेरोज मान 19 या बेरोक, तो ये हो गया 19 सेंटी 28 सेंटीमीटर आर थ्री एन तीस वर्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम ना लगो अपना, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए किताब में, देखिए आप किताब में क्या दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब सेम कहानी है, दो वृत्त हैं, बाकी त्रिज्या आपकी बार अलग अलग दे दी, एक की 8 सेंटीमीटर दे दी और एक की 6 सेंटीमीटर दे दी, तो लिख लियो आपने लिखना ही पास। एक वृत्त की त्रिज्या आर वन 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आर टू 6 सेंटीमीटर है, दोनों लिख लिया। अच्छा तीसरे वृत्त की त्रिज्या आर थ्री भी नापन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, इनको मतलब वो ज्ञात करनी है। दोनों क्षेत्रफल पूछा, इस बार क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वेयर, यानी पहला की खातर वन लगा दियो, दूसरे हम पाई आर टू की स्क्वेयर, तीसरे बराबर है तो पाई आर थ्री की स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इसका है, ध्यान रखिए यहाँ पर, ये देखिए ठीक है। अब इधर पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेंगे, इधर आर वन की स्क्वेयर और इधर आर टू की स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है, दो है ऊपर ये बात। अब ये दोनों आने के बाद में इधर पाई, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इधर बचा आर वन की स्क्वेयर प्लस आर टू की स्क्वेयर, नजर आ रहा है ना, पाई से पाई कट गया, आर वन की स्क्वेयर आर टू की स्क्वेयर, आर वन को मान 8 है तो 8 की स्क्वेयर यानी 64, इनको मान 6 है तो 6 की स्क्वेयर 36, और इन आर थ्री की स्क्वेयर ज्ञात करनी है अपन, 64 36 बेरो था ना, योग कितना हुआ है 100 हुआ है, नॉर्मल सी बात है, तो मैं बेरो तो करके देख लो भाई, रफ कॉपी निकाल रखी होगी, करके देख लो 100 हुआ है। अब इन अंडर रूट को मान आया अपन, सिद्ध आर को मान चाहिए, ठीक है। तो अगले पेज पर देखो, आ जाओ थानी तो सो काम करना है 100 और इन आ जाओ आर थ्री की स्क्वेयर। अब मान चाहिए मैंने आर थ्री को सिद्ध, तो इनो स्क्वेयर हटाशा तो इन अंडर रूट लाग जाए, और अंडर रूट लाग सी बेरो था ना, 100 के ऊपर अंडर रूट लागे तो प्लस और माइनस को 2 मान दिए, 100 को जाओ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अपन धनात्मक मान लेने दूरी का मान, क्योंकि त्रिज्या एक दूरी में संबंधित है, आई समझ में, चलो आई है तो बहुत बढ़िया बात है। तीसरा प्रश्न देखो,
एक चक्कर सो बना रखी किताब में, देखो 12.3 में, अठे तो चक्कर सो रामाना तो करिए लेकिन कौन मणि हो बेटा, ध्यान दो थोड़ो सो, बाकी टाइम लगा ज्यादा, टाइम की नजाकत ना देखी और अपन जल्दी से बना दिए सक्रियो। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये बने हुए हैं जिसमें प्रत्येक में अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी जो है आपके 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। सुनिए ध्यान से, गोल्डन जो बीच में सक्रिय दिखा है ना, एंगो व्यास दे रखे 21 सेंटीमीटर। अपन व्यास को कोई लेने देने को नहीं, अपन त्रिज्या मतलब, और त्रिज्या है आधी यानी 21/2 कर दिया, कोई चीज आधी करनी हो तो भाग दो को दे जाए। और बिग बाद में प्रत्येक पट्टी दिखे था रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, ए पट्टी दिखे ऐसा 10 10 यानी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो रहा आगे, यानी त्रिज्या का महत्व मान और जुड़ा वो अगले वर्त की ज्ञात करा। प्रत्येक पट्टी को अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहला आप गोल्डन पट्टी को ज्ञात कर लिया, नॉर्मल सी बात है, तो लिखे गोल्ड वर्त का, ये लो गोल्ड वर्त का, के गोल्ड वर्त को, के गोल्ड वर्त को व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, बढ़िया बात है। 21 है त्रिज्या, देखो 21/2 हो जाएगी, जानो थे आबाद, अरे नहीं जानते होगे, ये देखो वर्त बना रहे हैं हम, पहले तो एक ऐसे वर्त बनाना आप बना लिए, उसके बाद में एक बार से और वर्त बनाना है, एक वर्त और बनाना है इस प्रकार से, और बनाना है एक वर्त, इसमें मिल गया ये पूरा करो, ठीक है ऐसे और बनाना है, इस बार ला ये इसका दे दिया, अगली बार और देखते हैं, देखो ये ब्लैक बनाते हैं पूरा, ये लो इसको भी ले लेते हैं, ये इस प्रकार से पट्टी से नजर आ रही होंगे आप लोगों, तो गोल्डन वाले में देखना आपको गोल्डन की त्रिज्या सूत्र हो जाएगा पाई आर 1 की स्क्वायर, 1 ही वास्तव मान्य का पहला चक्कर है, इससे चक्कर आपने क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 5 चक्कर है आपने, पहला को ज्ञात करियो, मान जमा दो, मान जमा उत्तर पाओ, पाई को मान 22/7, 21/2, 21/2 काटो 7 का पाड़ो, 3 बार कट जैसी, 3 बार कटोगे तो फिर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 7 तो कटी गयो, नीचे बचेगा 2 2 4, नीचे 4 आ जाएगा, और 22 ने 3 और फिर 21 गुणो करोगा, बाकी तय करके देख लो थी हम, आपका टाइम वेस्ट कौन करा था, नावे नॉर्मल सी चीज है, 1386 आऊंगा, 1300 मैं करके देखे अभी, 1386 में 4 को भाग दिया तो 346.5 सेंटीमीटर, और ध्यान रखो क्षेत्रफल जद भी ज्ञात करना, मान यदि सेंटीमीटर में दे रखे तो के लगा से आप सेंटीमीटर स्क्वेयर, और यदि मीटर में दे रखे तो मीटर स्क्वेयर लगा लें, वो तो आया गोल्डन पट्टी को, अब राज्य ना हो तो कौन सी पट्टी को आया हो, तो वो तो ये ए पट्टी को आया है, आप पीला कलर की लो गोल्डन कलर की ए पट्टी को आया मंडा, इनमें ज्यादा उछड़ने की जरूरत पड़ी, ये पट्टी को आगे क्षेत्रफल पूरी हो, ठीक है गोल्डन पट्टी को, कोई तो इतना मेरा जीव जाऊंगा मैं गोल्डन पट्टी को ज्ञात कर लियो, तो कोई के बड़ो काम कर लियो थे गोल्डन पट्टी को ज्ञात कर लियो, कोई बड़ो काम कौन कर, सुनो बड़ो काम कठाओसी कठाओसी बड़ो काम, अब का बड़ो काम होसी रेड को ज्ञात करना, तो सुनो था ना रेड को ज्ञात करना पड़ा उसके के ध्यान देगा थे, रेड अठू लेके इति है पट्टी, रेड पट्टी आ है बस, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा चक्रिय काट ले पहला, तो अपना रेड कलर को जो चक्रिय नहीं क्षेत्रफल काट ले, और गोल्डन आर घटा दे रेड पट्टी को, बच जाओ आगे समझ में, चलो देखो रेड वर्त की पट्टी का क्षेत्रफल, नीचे आ जाओ नीचे देखो, R1 की R2 मान लिया क्योंकि दूसरो चक्कर हो, के मान लिया R2 मान लिया, अब सुनो R2 मान लिया, R2 की त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर, क्यों मानिए देखो इनको व्यास कितो दे दो 21 दे दो, त्रिज्या कितनी होगी 10.5, अगली पट्टी खातर क्या प्रत्येक पट्टी है 10.55 चौड़ी, यानी प्रत्येक बार अपन 10.55 आगे करना पड़ती जोड़ना पड़ती प्रत्येक बार, तो आती 10.5 है और अगली पट्टी की 10.5 हो रहा है, दोनों जोड़ी कितनी हो जाएंगे 10.5 और 10.5, अठे देखो होगी ना 21, ठीक है 21 होगी, अब इन हमारा क्षेत्रफल ज्ञात कराऊँ पाई आर स्क्वायर लगा के 22/7 पाई को मान, तो गुणा जो गुणा में कोई चिन्ह बीच में गुणा माने जाए आर की स्क्वायर यानी 21/, अरे भाई क्या रहे 21 गुणा 21, अब 7 के पाड़ों कटे 3 बार, अब 3 ने 21 हूँ 3 गुणों करा 1386 आ जाओ, कितना आ जैसे 1386, वो तो आगे मंडा ऊरू लेकर 8 तक को पूरा आ गयो, अपन पूरा कौन सही है, अपन कितो सही है देखो पीड़ो कलर सही है, अपन कितो सही है ती ती पट्टी है ना ई पट्टी को सही है अपन, पिछले गोल्डन तो अलग काट रखे हैं, तो वास्तव के अगर आप पूरा आ गयो नहीं हुआ गोल्डन आर बताते हैं, तो हम लिखेंगे हमें रेड की पट्टी का वर्त क्षेत्रफल चाहिए, अतः हम क्या करते हैं भाई पूरी दुनिया करती है वही काम थे कर लियो,
घटाना काम करे पूरी दुनिया थे यू कर लियो 1386 गवाऊ घटा लियो आपने 346.5 अर्जित भी थे जोड़बा की बंद बेरो था नावे कोई कर दे वादो तकड़ा सवारी रेड आउट है स्प्लेंडर का कर्स को इतनी भी इतनी से 1339.5 सेंटीमीटर सुखेरा जाओ आगे की समझ में आगे तब लेट ना करो अगली प्रोसेस है एक बार देखो अगले के डेकिन ज्ञात करना है डेट के बाद में बल्यू तो सुनो दोबारा देखो ऐसे त्रियो खराब हो गए ऐसे तन में साफ करना थोड़ा सा ये लो अब अपन क्या ज्ञात करना है अपन ज्ञात करना है बेटा बल्यू ताइंग और चक्रीय पहला तरी चलो देखो आ सारा वर्त तेना केंद्र एक ही है अटीपी केंद्र इंगो वो एक ही है ठीक है वो आंगो केंद्र है वो केंद्र के एक सी करे कि वो सारा केंद्र एक है मतलब सहकेंद्रीय वर्त है सारा सहकेंद्रीय यानी सभी का केंद्र एक समान है अब यहां से देखेंगे तो इसकी त्रिज्या ये थी 10.5 फिर इसकी त्रिज्या थी ये 10.5 और जुड़ गई हमारी 21 ही फिर अगले चक्कर की देनी 28 तो देखो 10.5 इंगे 10.5 इंगे 10.5 इंगे क्योंकि सारा 10.55 जोड़ा है तो तीन बार 10.55 जोड़ से 31.5 आ जाती ठीक है तो हमें बल्यू का चाहिए बल्यू तीन नंबर में है इसका सूत्र लगा लेंगे पाई आर थ्री की स्क्वायर क्षेत्रफल अब अगले पेज पर आ जाओ आप लेकिन अगले पेज में आना पहले समझ लियो के करना आगे जाके नहीं अगले पेज में आना मतलब हो 28 त्रिज्या आगे तो अपन क्षेत्रफल ज्ञात कराओ पूरा एरिया क्षेत्रफल आ जाओ अपन देखो मैं लिख सामान डो ना पूरा को आ जाओ अपन सही है किंग में अपन सही है नीले नीली पट्टी को और नीली पट्टी कट है नीली पट्टी रहेगी आठ की देखो आती है नीली पट्टिया बल्यू नाम लिखे ना पट्टी नीली पट्टी है तो अपन इंगो चाहिए इंगो चाहिए तो अपन इंगो ज्ञात कराऊ और किंग कौन करा इंगो ज्ञात करने खातर के कराऊ इंगो ज्ञात करने खातर पूरा गाऊ गोल्डन आरो घटा देगा रेड आरो घटा देगा ठीक है या दोनों आंग अलग काट के वो घटा देगा उत्तर जैसी चलो देखो एक बार करके अगले पेज पर ब्लू वाली पट्टी का ज्ञात करना है ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र लगाएंगे पाई आर थ्री की स्क्वायर यहाँ पर त्रिज्या अलग लेनी है अपने को उसी वापस गोल वाले चक्कर में देखो अलग अलग बनाओ दोबारा चक्कर गौर करो थोड़ा सा देखो एक चक्कर ये तो बना दिया गोल्डन कलर को फिर दूसरो चक्कर ये लियो आप रेड कलर को लियो रेड कलर को चक्कर रेड कलर को ले लो थे बाद में कौन से कलर को ले इसको रेड ले बाद में थे कौन से कलर को दोबारा ले इसको क्या रहे ये चक्कर लग रहे हैं बिना मतलब ही सुनो ध्यान से सुनना क्या आप लोगों को ये देखना है कि ये जो आर वन दिखाई दे रहा है आपको और थ्यावस फिर थ्यावस आर थ्री की आ त्रिज्या आ गया आपने आर वन गोल्ड रहेगी फेरिंग बाद में एक और काट दिया रेड को त्रिज्या और काटी बाबी दोनों अनुबंध जोड़ा दस 31.5 10.5 जोड़ दें 31.5 अब ब्लू पट्टी को क्षेत्रफल ज्ञात करा पाई आर थ्री की स्क्वायर पाई आर थ्री की स्क्वायर में पाई आर ओ कैपिटल आर ही वास्तव मान्य में ताकि दोनों वर्तन की त्रिज्या जोड़ी जा सके कौन सा की गोल्ड और रेड की आगे किताब में देखो प्रोग्राम में चित्र को बना रहा ठीक है यहाँ एकदम आलसी पड़ के ना रहे करो अब पाई इन भी है पाई इन भी दोनों में कॉमन आ जाओ दोनों साइड में कॉमन आते हैं आप पाई 12 ले लियो ठीक है बच्चों आर थ्री की स्क्वायर माइनस आर टू की स्क्वायर अब मान जमा दे उत्तर पा लियो फटाफट इन ज्यादा कोई रोना की बात को नहीं 22/7 लगाओ मान तो बोलियो लंबो लगा दियो पूरा अब कही तो खूब हो जाएगा लंबो लगा दिए मारे कौन उतरा हुआ लेकिन आवेगो सहगो आओगो लंबो एक बार दिक्कत दे बाद में कौन दिक्कत दे 31.5 की स्क्वायर माइनस 21 की स्क्वायर 31.5 की स्क्वायर यानी इन 31.5 की स्क्वायर मतलब 31.5 ने 31.5 गुणो करना 31.5 से गुणो कर सो उत्तरा से थारो 992.25 करके देख लियो और 21 को थारे याद कराए मैंने 441 हुए ठीक है अब पहला घटाओ क्योंकि पहला ब्रैकेट हल करना चाहिए हमेशा ही कई तो बाजेगा भाग देंगे बाज के बाज के भाग देंगे कई आदत तो है लेकिन अपन भाग कौन देना पहला क्योंकि पहला अपन ब्रैकेट हल करना ब्रैकेट हल करा कितो बचे हो 551.25 बच्चे हो आई समझ में बट्टा 22/7 बाकी ये जोड़ बाकी है हम आपका टाइम वेस्ट कौन करा थे कर लियो आपने हर घंटा ही टाइम पड़े जानो को टाइम पड़े करा कुल मिला के उत्तर आ जाओ 1732.5 सेंटीमीटर आगे की समझ में आगे आगे ठीक है आगे तो अब ब्लैक आर और देख लियो लास्ट सक्रिय और है एक व्हाइट आर थार का छोड़ चुका ब्लैक आर थे ज्ञात करते ब्लैक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके लिए चार नंबर पे चक्कर है किताब में देखिए इसलिए आप क्या लिखेंगे इसको पाई आर फोर की स्क्वायर माइनस पाई आर कैपिटल यानी इस बार आर कैपिटल है लेकिन इस इतनी बार तो आर था ना उसके देखो यहाँ गोल्ड और रेड की थी लेकिन इस चक्कर में तीन चक्कर आ गए आर फोर को मान 31.5 प्लस 10.5 टोटल जोड़ा दे 42 है और सेम वाई कहानी करनी है बारह चक्कर को याद करना भी हम सारा ही घटा देनी
पाई कॉमन आ जाओ, बार ले लिया 42 42 को वर्ग 1764 हो गए, 31.5 को वर्ग कर लियो थे, 992.25 है, इतनी बार राइड हुई है करने की जरूरत है। घटा से जो भी उत्तरा होगा मैं 22/7 गुणो कर देगा। अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज पर समझ में आ जाएगी तारे, समझ में आ गई बात। चलो देखो एक बार। हाँ तो बेटा वो तो थे सारा कर लियो अल, ठीक है, और इन प्रकार से वाइट आर ज्ञात कर लियो, और मन बताओगा भी कि मैं ज्ञात कर लियो कौन ज्ञात करियो, ठीक है। कमेंट कमेंट में ना लिखियो अपने, बताओ जल्दी, ना कहीं लिख दियो कॉपी के मामले, लिख के दिखा दियो मैंने। अब आगे प्रश्न देखो, 4 नंबर प्रश्न, 2 ही प्रश्न हो रहे हैं, इंपोर्टेंट है, देखो चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट लाग रहे हैं आगे, मोस्ट कई कई टाबर हो, मोस्ट लगा ली पहला ही, कोई प्रश्न नार नार हो भी नहीं, मोस्ट लगा ली। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या दे रखे, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि है यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट बाद प्रत्येक पहिए में कितने चक्कर लगाएगी। बस चक्रांक संख्या ज्ञात करनी है, चक्कर जब भी ज्ञात करना हो था तो पूरी दूरी ले करो, आ दूरी ले गई भी त्रिज्या, जितो भी चक्कर होगा ना मैं भाग दे करो। चलो थोड़ा सा आप हल करा उधर ऊपर चौथा, पहले तो देखो टायर काट लियो गाड़ी को, और टायर काटने के बाद में क्या काटने के बाद में, टायर काटने के बाद पहियो पहियो काट दियो, टायर कर दियो किमी कर दियो थर जी माँ वो कर दियो। अब देखो मैं एक टायर बनाऊ, वो बनाओ टायर, अभी वो व्यास तो दे रखे बेटा 80 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 80, जबकि अपन लेनो कितो है, लेनो कितो है अपन त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या आधी हो बेरो थाने आधी हो जिदे आधी हो आधी होगी अपने ग्रो क्या के रुके थोड़ी है तो अटता ही होगी मान लो त्रिज्या आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला ही परिधि ज्ञात कर लो, परिधि सूत्र थान बेरो में लिखो लिखो को नहीं इस बार, ये देखो अपने 2πr हो, 2 को 2, पाई को 22/7, आर को मान 40 आ गयो, हल करने जरूरत तो कोनी, कई भाजेगा भाज के करेगा जल्दी से, दिखाना आवे एक बार कौन करना, काटने में दिक्कत कोनी आवे, 8 सेंटीमीटर लगाना। अब कई टाबरा दिक्कत कोनी आई, दिक्कत ही दिक्कत है वहां, 8 सेंटीमीटर सुकेत क्यों कौन लगायो, तो याद रखो परिधि परिमाप संबंधित और परिमाप भुजा को योग हो, और योग में कदी भी परिमाप सुकेत को लग। अब सुनो सुनो के था ना, सुनो है 60 मिनट का, 1 घंटा में दे रखे हो ना, याद करो कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है, समझ में आई बात। अब यदि ये 66 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 1 मिनट में कितनी करेगी वो निकालो, तो पहले लिखो अपने नॉर्मल देसी तरीका, 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 66 किलोमीटर, ए भाई किलोमीटर है 661 ना समझ जाइए किलोमीटर है, अतः 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में तय की दूरी 66 बटा इन जगह चीज होगा बट्टा माजे 66/60 हो जाएगी। अपन चाहिए कितने में, किताब के अनुसार अपन 10 मिनट में चाहिए, तो आप क्या लिखूंगा 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 66/60 × 10 काटा छंटी करो 11 किलोमीटर उतरा जाओ, यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लग रही हो कार को टायर 11 किलोमीटर दूरी, बहुत स्पीड में भाग रही है, स्प्लेंडर नहीं सेक गया था। आगे देखो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि अलग अलग मान आएंगे तो आप हल नहीं कर पाओगे, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में और किलोमीटर का किलोमीटर में करना, ठीक है। अब मान लगाएंगे सेंटीमीटर को, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए पहले मीटर में बदलो, और मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करो, 1000 से गुणा करने के बाद में मीटर में बदल जाएगा, यानी 11 किलोमीटर में 11000 मीटर, फिर बाद सेंटीमीटर में बदलना तो 100 और गुणों करना पड़ेगा, 100 और गुणों करना 2 बिंदा और लग जाएगा, कितना हो गया, यहाँ देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब मैं थाने कहो चक्कर ज्ञात करना हो क्या करना पड़े, जब भी चक्कर ज्ञात करना हो तो पूरी दूरी और वृत्त की परिधि को भाग दे दो, पूरी दूरी का मैं वृत्त की परिधि को भाग दे दिया, चक्कर आ जाऊ सारा क्या जावा चक्कर आ जाऊंगा, ठीक है, वैसे चक्कर ही देखना है अपन कटसिया देखो वो सूत्र लाग दो, वो सूत्र ला रहे हो देख लियो थाना, और की कौन देखना थाना देखना एक सूत्र बस, और वो सूत्र कटा है और डबड़ा वहां देखो डब्बे वहां देख लो सूत्र लाग रही हूँ, नाम की है कुल दूरी बटा वर्त की परिधि, याद करने जरूरत को नहीं, जितना टायर दूरी चालियो ने जितनी दूरी ज्ञात करी बिंग मां चक्कर की पूरी परिधि को भाग दे दो उतरा जाओ, तो 11 लाख सेंटीमीटर आयो बट्टा परिधि अभी ज्ञात करी जितो मैं कहो थे ना काटियो ना काटियो। अब देखो वो मान सारो चक्की लियाओ और ले आगे 8 दर्द दियो, अब नीचे जगह चीज हो उल्टी बिन पलटा दो ऊपर जाएगी 7 हो जाएगी, ऊपर जाए 7 नीचे ही है 7 ऊपर उठ जाओ, अब काट दो 22 का पढ़ा हूं मैं काटते हैं देखो 110 ने भाई पंजो किताब है 110 देखो 110 में एक बिंदी आगे 4 बिंदी बची हुई 4 बिंदी आगे लगा दी 40 सारी एक बिंदी आखड़ी काट दी बच्चों पर 5000, फिर
फिर दो को भाग दिया, 5,000 में दो को भाग दिया, 2,500 आ गए, लिख दिया नीचे जा रहा है गुणा में 7 है, 2,500 यानी 2,500 में 4 को भाग दिया, 625 आऊंगा, 625 में 7 गुणा कराऊंगा, 4,375 चक्कर आ जाएंगे। आगे की समझ में आ गई, बस तो इनको दो रो काम को नहीं, आगे तो बढ़िया हुआ बात। लास्ट प्रश्न और देख लियो आपने, बस छोटो सो है, ज्यादा को नहीं। प्रश्न किताब में देखो, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और प्रत्येक उत्तर का औचित्य दीजिए, कारण देना ही नहीं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर बता रहे हो तो दोनों बराबर कर दें, क्या दिक्कत है आपने, लो दोनों बराबर करो। वृत्त को क्षेत्रफल पाई आ चुके रहो, ये थाने बेरो है, और परिधि को बेरो, ये थाने क्या बेरो है, परिधि कह दे, वृत्त में परिधि कह जाए, परिमाप कौन कह जाए, परिधि को बेरो थाने कितनी है, 2πr है, दोनों बराबर है, संख्यात्मक रूप से कहीं दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर दें, पाई इन भी और पाई इन भी दोनों साइड मौजूद भाग में कट जाएंगे, बच्चे ने 2r है, इन बच्चों r की स्क्वायर, r की स्क्वायर ना पार गुणा r लिख सका, लिख सका नहीं, r को r कट जाओ, r को मान दो आ गए, यानी दो मात्रक हो गए, तो माना होगा इनकी त्रिज्या दो होगी। अब ऑप्शन में देख लियो धीरे से, कोई थाना ना देख ले, ऑप्शन देखता, ऑप्शन ए इनो सही है, ठीक है। तो इन प्रकार से अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होगी है, इनका प्रश्न उत्तर एक दो इंपोर्टेंट है, एक तो पहले दूसरा और एक चौथो, तीन इंपोर्टेंट है, तीनों पढ़ लियो आपने आराम से लिख लियो, और कोई नया आया तो दोबारा पूछ लियो, मैंने स्पेशल व्यासी दो मैसेज करके कमेंट कमेंट ना करियो, आपने सामान ना करियो, जितो काम अभी तो काम करियो, फिर बाद में थोड़ी सी तड़के जानकारी देगा सामान्य, और जानकारी देगी या शाम तक ही जानकारी देके अगली प्रश्न होली का जितना भी प्रश्न है 14-15 जितना भी है सारा करवा देंगे, ठीक है। अगर आप कॉपी निकाले रखे हो हल कर वो करो सवाल, और कोई सवाल नया आया उदाहरण उदाहरण नया आया तो लिख लिया करो, फिर पूछ लिया ट्यूशन पढ़ाओ, आगे समझ में। ओके, धन्यवाद सभी को।